हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3DS में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट इन 3DS मैक्स, एंड दिस इज विदाउट एनी कोडिंग स्किल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्स मेरा ओपन है और इसमें मैं आपको आज बताऊंगा किस तरीके से आप स्क्रिप्टिंग के ज़रिए काफ़ी इजी कर सकते हैं अपने काम को। ठीक है, जो रिपीटिटिव काम होता है आपका, वही इफ़ेक्ट आप किसी और ऑब्जेक्ट में इजीली डाल सकते हैं स्क्रिप्टिंग के ज़रिए। तो कैसे डालेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा। एक एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ, और जो भी मैं आपको स्क्रिप्ट बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ तो आपका भी सेम उसी तरीके से काम करेगा। सबसे पहले मैं एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। ये मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब हम लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आप देखेंगे अपने अगर 3D मैक्स में, ठीक है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है एंड हेयर यू विल सी ओपन लिसनर विंडो। इस पे आपने क्लिक करना है ओपन लिसनर विंडो पे। ठीक है, ये एक्चुअली मैक्स स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी स्क्रिप्टिंग यहीं से बनती है। हमने क्या करना है, यहाँ से इसको नीचे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है ये सारी स्क्रिप्टिंग है। इसको हम फिलहाल यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, अभी इसको ब्लैंक कर देते हैं। मैक्स रिकॉर्डर जो है ये आपका अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। ठीक है, इसको आपने ऑन करना है, यहाँ से मैक्रो रिकॉर्डर में जाना है और इसको आपने इनेबल करना है। ये इनेबल हो गया हमारा। ठीक है, हमने इनेबल कर लिया यहाँ से। अब हम इस बॉक्स में जो भी इफ़ेक्ट डालेंगे, मींस जो भी मॉडिफायर डालेंगे, ठीक है, वो आप देखना यहाँ पे स्क्रिप्ट के ज़रिए। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड होगा हमारा क्योंकि हमने मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। अभी हम इसमें सबसे पहले शैम्फर डालते हैं। ठीक है, हमने शैम्फर डाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम अमाउंट यहाँ पे सेगमेंट में इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट हो गया है स्क्रिप्ट में, एंड ये हमारा हमने शैम्फर डाल दिया। इसके बाद हम इसमें डालते हैं टेपर मॉडिफायर। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया टेपर मॉडिफायर, और इसके बाद हम इसमें डालते हैं सपोज ट्विस्ट मॉडिफायर डालते हैं। ये हमने इसमें ट्विस्ट मॉडिफायर डाल दिया। हमारा जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके का आ गया है। ठीक है, हमने बॉक्स में सबसे पहले शैम्फर डाला, फिर टेपर, फिर ट्विस्ट। ठीक है, 3 मॉडिफायर्स हमने इसमें डाल दिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम और भी डाल सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप डालना चाहे। ठीक है, सपोज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैंने फ़िलहाल 3 डाले हैं, ये हमारे हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये स्क्रिप्ट में हमारे यहाँ पे आ गए। इसको हमने सेलेक्ट करना है सारे को, और इसको हमने कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी कीबोर्ड में प्रेस करना है। हमारा कॉपी हो गया है ये, इसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे। इसके बाद हमने जाना है अपने स्क्रिप्टिंग में, और स्क्रिप्टिंग में जाके हमने चूज़ करना है यहाँ से न्यू स्क्रिप्ट। ठीक है, न्यू स्क्रिप्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं है, न्यू स्क्रिप्ट है। यहाँ पे हमने कंट्रोल वी करना है, जो हमने कॉपी किया था उसको हमने पेस्ट करना है। कंट्रोल वी कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो ये हमारा आप देखेंगे ये पेस्ट हो गया है। ठीक है, अभी हम एक नया ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज हम बॉक्स ही लेते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बॉक्स में ही करके दिखाता हूँ। हमने एक बॉक्स ले लिया सेम जैसे हमने ये वाला लिया था। इसके बाद अब हमने सेम यही इफ़ेक्ट इसमें भी डालने हैं। हमने सिंपली यहाँ से टूल्स में जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन आता है इवेलुएट ऑल। इस पर हमने अगर क्लिक करेंगे आप देखिए, ठीक है, जो सेम इफ़ेक्ट हमने इसमें डाला था, जो भी हमने इसमें मॉडिफाई डाले थे, सेम इसमें भी आ गए। देखिए, ट्विस्ट, टेपर एंड शैम्फर। ठीक है, अमाउंट भी अगर आप चेक करेंगे तो सेम अमाउंट यहाँ पे भी आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। हम बॉक्स की जगह हम कर लेते हैं कोन, और ये देखिए, ठीक है, ये हमने कोन ले लिया, और अब इस कोन में भी हम यही
जो मॉडिफायर्स थे जो हमने स्क्रिप्ट कॉपी करी थी, सो इसको हम टूल्स में जाके और इसको करते हैं इवैल्यूएट ऑल। सो आप देख सकते हैं यही इफेक्ट इसने इसमें कर दिया है, ठीक है। बट इसमें एक्चुअली इसलिए नहीं दिख रहा है ट्विस्ट वगैरह क्योंकि ऑलरेडी गोल है, ठीक है। सो अभी हम ऑब्जेक्ट कुछ और लेते हैं, हम सपोज स्फीयर लेते हैं, इसमें भी हम सेम यही इवैल्यूएट ऑल करते हैं, तो ये आप देखिए, ठीक है, यही इफेक्ट इसमें भी ले लिया। सो इस तरीके से आप मतलब मेन कहने का मतलब ये है कि आप इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके और इसको किसी और ऑब्जेक्ट में, ठीक है, इस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो इसमें एक्चुअली सेगमेंट अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारे को ये देखिए, ठीक है, ट्विस्ट वाले का हमारा इफेक्ट तभी आएगा जब हम सेगमेंट बढ़ा लेते। सो गाइज इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया स्क्रिप्टिंग, अब इसको हम सेव कैसे करेंगे इस स्क्रिप्टिंग को ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब मैक्स ओपन करें तो हम अपनी स्क्रिप्ट यूज़ कर सके। सो इसके लिए फाइल में जाना है आपने और इसको यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है। सेव पे हम क्लिक करेंगे और इस स्क्रिप्टिंग को फिलहाल हम डेस्कटॉप पे मैं एक नाम दे देता हूँ 1 2 3, ठीक है, एंड देन सेव। और ये मेरी स्क्रिप्ट सेव हो गई है, इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी मैं मैक्स मेरा रीसेट हो गया, मैं फिर से ऑब्जेक्ट लेता हूँ, यहाँ से मैंने स्क्रिप्ट में जाना है, रन स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा, देन मैंने डेस्कटॉप में सेव करी है स्क्रिप्ट 1 2 3, इस पर क्लिक किया, ये देखिए, ठीक है, सेम स्क्रिप्ट जो है हमारी ये इस पर लग गई है। सो गाइज काफ़ी ईजी है स्क्रिप्टिंग करना, ठीक है। सो ये एक छोटा सा पार्ट है स्क्रिप्टिंग का। सो इस तरीके से आप और भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, और भी जो भी मॉडिफायर आप के जो रिपीट होते हैं काफ़ी, मतलब एक ही तरीके के जो आप यूज़ करते हैं, सो स्क्रिप्टिंग के ज़रिए आप इजीली किसी और ऑब्जेक्ट में भी सेम मॉडिफायर इजीली मतलब क्लिक करते ही आपने देखा ना रन स्क्रिप्ट में जाके, सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।